सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में बे इंतहा इबरतें और हदायत रहनुमाई और जो भी इंसान किसी हालत किसी मुश्किल से किसी मामले से गुज़र रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा सामान है। उनमें से एक चीज़ ये है कि इंसान बाज़ मरतबा नाउमीद होने लगता है कि हालात से और मुखालफतों से और मुख्तलिफ वाक़ियात जो हो रहते हैं उसकी ज़िंदगी में। तो एक सबक हमें जो मिलता है उनकी ज़िंदगी से वो ये कि जब तक बंदे का खुदा और रब ताला की ज़ात उसके साथ है तो उसको नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं। नाउमीद वो हो जिसका खुदा ना हो, जिसका खुदा पर यकीन ना हो, जिसका खुदा आजिज हो, जैसे ये बुतों को मानने वाले और इस तरह की चीज़ें। हमारा जो खुदा है रब ताला अल्लाह जल्ल मजदहू वो हय्युल्ला यमूत है, अला कुल्ली शेइन कदीर है। तो जो उसका बंदा है वो नाउमीद नहीं होता, क्योंकि बंदा तो बेबस हो सकता है लेकिन उसका रब कभी बेबस नहीं होता। तो इसलिए एक सबक हमें ये मिलता है कि जो भी जिन हालात से आप गुज़र रहे हों, मुश्किल हालात हों या मसाइब हों बीमारियाँ हों, तो नाउमीदी की कोई ज़रूरत या कोई इम्कान नहीं होना चाहिए कि आपका खुदा आपके साथ है और उसकी कुदरतें लामहदूद हैं और ये ज़िंदगी क्या वो करोड़ों ऐसी ज़िंदगियाँ पैदा कर सकता है, बंदे को सब कुछ दे सकता है, उसे किसी से ले सकता है, मदद कर सकता है। तो ये एक सबक मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं करबला में किस तरह हुआ, लेकिन आपके चेहरे पर और आखिरी वक्त तक कोई नाउमीदी नहीं थी, कोई डिप्रेशन कोई परेशानी। ये हम लोग जो हैं वो थोड़ी सी कोई माली मुश्किल आ जाए कोई मसला हो जाए तो वो ऐसे परेशान हो जैसे कोई क़यामत आ गई। तो इस तरह को ये एक सबक पता उनकी ज़िंदगी से सीख सकता है।